नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर सियासत गर्म हो गई है और अब महिला आरक्षण की चर्चा भी केंद्र में आ गई है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रही है। इन सबके बीच कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में विधानसभा से लेकर सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या भी चर्चा का विषय बन गई है। राजस्थान चुनाव में भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना का दाव चल चुके हैं। ऐसे में बात राजस्थान सरकार में ओबीसी की भागीदारी को लेकर भी हो रही है। राजस्थान के चुनाव विपक्ष के जातिगत जनगणना के दाव को टेस्ट भी मान रही है। ऐसे में सवाल गहलोत सरकार में महिलाओं की भागीदारी और मंत्रिमंडल के जातीय समीकरणों को लेकर भी उठ रहे हैं। राजस्थान सरकार में कुल 28 मंत्री हैं, जिनमें से 19 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री हैं। 28 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या महज 3 ही है। देखा जाए तो यह आंकड़ा करीब 10% पहुंचता है। ओबीसी की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसी वर्ग से आते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं। तो वही राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, उदयलाल अंजना भी सरकार में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान सरकार में राजपूत विधायकों की भी एक कैबिनेट है और एक राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। शकुंतला रावत और अशोक चांदना SBC समाज से आते हैं। तो बीडी कल्ला महेश जोशी गहलोत मंत्रिमंडल का ब्राह्मण चेहरा है। गहलोत मंत्रिमंडल में 2 मंत्री ब्राह्मण और 3 मंत्री वैश्य समुदाय से आते हैं। जाट समाज के 4 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री है। गहलोत मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के 4 कैबिनेट मंत्री हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति के 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हैं, जो कि स्वतंत्र प्रभार है। 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री गुर्जर समाज से भी है। शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया और सुभाष गर्ग वैश्य समाज से आते हैं। हिमाराम चौधरी, लालचंद कटारिया, रामलाल जाट, ब्रजेंद्र सिंगोला और विश्वेंद्र सिंह जाट समाज से आते हैं। इसी तरह प्रसादी लाल मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रमेश चंद्र मीणा, अर्जुन सिंह और मुरारी लाल मीणा अनुसूचित जनजाति, तो ममता बुहेश, भजन लाल जाट, टीकाराम जूली और गोविंद मेघवाल गहलोत मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। साले मोहम्मद और जाहिदा खान सरकार के मुस्लिम फेस है, तो वहीं क्षत्रिय समाज से प्रताप सिंह खाचरियावास और भंवर सिंह भाटी भी गहलोत सरकार में मंत्री हैं। महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना के दाव के बीच का चुनाव मानी जा रही है। 2023 की इस जंग में अशोक गहलोत का जादू चलेगा या पीएम मोदी का मैजिक, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमे में एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए हर संभव चुनावी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान चुनाव में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत एक के बाद एक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और राजस्थान के दौरे पर दौरे कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।